हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके, नेक्स्ट सीरीज है आज दिमाग की बत्ती। इसमें हम कुछ आगे प्रीवियसर क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। 2017-2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ध्यान से सभी क्वेश्चंस को समझिएगा। ये जो वीडियो है ये प्री रिकॉर्ड है, डेट्स वाई मैं आपके लाइव चैट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। बट आई विल गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द राइट आंसर, ठीक है। सो सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, सो अन अकेडमी प्लस पर मेरा नया कोर्स जो है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो एक रिवीजन कोर्स है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है उस सब की एक रिवीजन होगी आपकी। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली, यू कैन टेक इट, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे ही अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करते हो, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाके प्लस एंड आइकनिक दोनों के ऑप्शन आते हैं। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। 12 महीने की कम से कम आपको प्रेफर करनी है। आपकी मर्जी है आइकनिक ले या प्लस ले। आइकनिक में बेनिफिट ज़्यादा रहता है बिकॉज इसमें आपको पर्सनल कोच भी मिलता है, ठीक है जी। सो ये फी स्ट्रक्चर है आइकनिक का, एंड ये है प्लस का फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको मेरा रेफरल यूज़ करना है सिमर 10, ठीक है। 10% इंस्टेंट ऑफ आपको मिलता है रेफरल यूज़ करने पर। इसके अलावा अन अकेडमी पर ये जो सेशंस है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सभी एजुकेटर्स की क्लासेस मिलती हैं, सभी सेशंस मिलते हैं। ये कुछ रिवीजन कोर्सेज, रिवीजन बैचेस जो है ये स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक से, ठीक है ना। सो ये आप देख सकते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन में ये सभी एजुकेटर्स की क्लासेज आपको मिलती हैं, ठीक है। सो ये मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज देखने के लिए। यहाँ पे अगर आप मेरी फर्स्ट टाइम स्पेशल क्लासेज देखने जा रहे हैं तो मेरा इन्वाइट कोड जरूर यूज कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। होपफुली आपने लाइक एंड शेयर कर दी है और सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे। ठीक है, तो टोटल आज हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए यहाँ पे क्या चीज़ करेक्ट है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो डिस्क्रिशन से ली जाती है गवर्नमेंट की, ठीक है, दैट इज पेमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की पेमेंट देना, या पेमेंट सोशल सिक्योरिटी, जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी की पेमेंट देना, या फिर एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लेवल में एंड टैक्स रेवेन्यूज के लेवल में एक मैनेज्ड चेंज करना, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिक चेंजेस होना टैक्स रेवेन्यूज में, दैट रिजल्ट फ्रॉम इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होने से टैक्स रेवेन्यू में ऑटोमेटिक चेंजेस होना, ठीक है। तो आप बताइए एक डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो एकदम करेक्ट, इट इज़ द करेक्ट फॉर डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी जो मर्जी से, गवर्नमेंट की मर्जी से ली जाती है, ठीक है, उसे डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करे या गवर्नमेंट टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करें, ठीक है ना। मैनेज्ड चेंज का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये जो चेंज है ये मैनेज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑटोमेटिक का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसे मैनेज नहीं किया, ऑटोमेटिक अपने आप ही चेंज आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज किया और उससे टैक्स रेवेन्यू में ऑटोमेटिकली बदलाव आ गया, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की मर्जी से होती है, उसे गवर्नमेंट मैनेज करती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस को जो है वो एक
मैनेज लेवल में लेके जाती है ताकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पर काबू पाया जा सके, ठीक है ना। सो डैट्स वाई इट इज़ ए मैनेज्ड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसके टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेस हो गया, ठीक है, पब्लिक बोरोइंग हो गई, गवर्नमेंट डेप्ट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करती है और टैक्सेस को बढ़ाती है, डिफ्लेशन के टाइम पे इससे उल्टा होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड ट्रेड एज ए हैंड मेडन ऑफ ग्रोथ। इसमें से कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने ट्रेड को कहा है कि ट्रेड जो है ये ग्रोथ का हैंड मेडन है, ठीक है। विनर, क्रूगर, क्रेविस या भगवती। हैंड मेडन का मतलब होता है वैसे नौकर, है ना। तो मतलब कि जो ट्रेड है वो ग्रोथ का गुलाम है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हमने अब तक पढ़ा है ना दिस ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, ट्रेड जो है वो ग्रोथ का इंजन है। लेकिन जो क्रेविस है ना, क्रेविस ने उससे इसका उल्टा बोला। क्रेविस कहता है ट्रेड जो है वो ग्रोथ का इंजन नहीं है, जो ट्रेड है वो ग्रोथ का हैंड मेडन है, ठीक है। ये बहुत मतलब इसे अगर पूरा पढ़ना है तो ये डीपली एक थ्योरी हमें पढ़नी पड़ेगी, क्रेविस ने क्या क्या चीज़ें कही हैं कि ट्रेड ग्रोथ का हैंड मेडन क्या है, ऐसे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स ट्रेड के से रिलेटेड हैं जो ग्रोथ का कारण बनते हैं, ठीक है ना। तो इसे अलग किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, क्रेविस ने क्या बोला है ग्रोथ के बारे में। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हैंड मेडन ग्रोथ, ट्रेड को ग्रोथ का हैंड मेडन किसने कहा है, क्रेविस ने कहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पब्लिक गुड इज, पब्लिक गुड का फीचर पूछा है, नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, नॉन राइवल इन कंजम्पशन, एक्सक्लूडेबल इन नेचर, ए गुड डैट पब्लिक मस्ट पोसेस, ऐसा गुड जिसे पब्लिक को जरूर पोसेस करना चाहिए। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ फर्स्ट। क्यों फर्स्ट सही है, देखिए आपको ये तो पता है कि पब्लिक ए गुड जो है नॉन एक्सक्लूडेबल है नेचर में, मतलब हम किसी को भी इसकी कंजम्पशन लेने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, है ना, या इसका फ़ायदा लेने से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन राइवल है कंजम्पशन में, क्योंकि एक की कंजम्पशन करने से ऐसा नहीं होता कि दूसरे के लिए उसकी कंजम्पशन कम हो जाए, समझे ना। सो नॉन राइवल भी है, एक्सक्लूडेबल नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूडेबल जो है वो प्राइवेट गुड होता है, ठीक है। ए गुड पब्लिक मस्ट पोसेस, ऐसा नहीं है कि पब्लिक गुड को लोगों को पोसेस करना ही पड़ेगा, लोगों को पब्लिक गुड का फायदा लेना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है, लोगों की मर्जी है फायदा ले चाहे ना ले, ठीक है ना। तो ए गुड डेट पब्लिक मस्ट पोसेस इज नॉट ए पब्लिक गुड, मस्ट का मतलब है कि जरूरी, बात को समझे। सो फोर्थ इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक गुड, लेना ऐसा गुड जिसका फायदा पब्लिक को लेना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा गुड जो जिसका फायदा पब्लिक को लेना ही चाहिए, हम इसे मैरिट गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एजुकेशन एक मैरिट गुड है, उसका फायदा पब्लिक को लेना चाहिए, और गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कि लोग उसका फायदा जरूर लें, गवर्नमेंट के ये लोगों के लिए बहुत अच्छी है तो लोगों को इसका फायदा लेना ही चाहिए। लेकिन पब्लिक गुड में ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को इसका फायदा लेना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्सेस विल इफेक्ट, जो फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स होता है वो किसे इफेक्ट करता है, बायर्स को सेलर्स से ज़्यादा, सेलर्स को बायर्स से ज़्यादा, दोनों को इक्वली, या गवर्नमेंट रेवेन्यू को नेगेटिव बनाता है।
ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला है जी, फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स। देखिए टैक्स किस पे लगता है, प्रोड्यूसर्स पर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब सेलर्स, उन्होंने क्या किया, चीज़ का दाम बढ़ा के, प्रोडक्ट का दाम बढ़ा के उस पर्टिकुलर टैक्स को कंज्यूमर्स की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज फॉरवर्ड शिफ्टेड टैक्स। ठीक है ना, जैसे प्रोड्यूसर्स पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया कि अगर इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो टैक्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को उस चीज़ की प्रोडक्शन महंगी पड़ी, तो उसका पैसा वसूल करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने वो चीज़ महंगी कर दी है ना कंज्यूमर्स के लिए, बात समझे। सो वो टैक्स का बर्डन कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ शिफ्ट नहीं हो गया, सो दैट इज द फॉरवर्ड शिफ्ट टैक्स, जिसपे बायर्स पे बर्डन ज्यादा हो सेलर से या प्रोड्यूसर से। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द प्रपोज्ड जीएसटी अरेंजमेंट्स इन इंडिया। प्रपोज जीएसटी अरेंजमेंट्स के लिए इनमें से क्या ठीक है, मतलब कि जो भी जीएसटी की अरेंजमेंट्स की करने की बात रखी गई थी, प्रपोज की गई थी, उसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। बोथ सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल। सेंटर एंड स्टेट दोनों टैक्सेस जो है वो सेल के पॉइंट पे कलेक्ट किए जाएंगे। दूसरा है, द सेंटर एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो सेंटर एंड स्टेट का जीएसटी है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर चार्ज किया जाएगा। दोनों ही नहीं ठीक, सिर्फ सेकंड ठीक है, सिर्फ पहला ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, बताइए। फर्स्ट फोर्थ आंसर इसका ठीक है जी, सेंटर एंड स्टेट टैक्सेस जो हैं जीएसटी के, वो सेल के पॉइंट पे कलेक्ट किए जाएंगे, डेस्टिनेशन के पॉइंट पे, है ना, सोर्स पे नहीं, डेस्टिनेशन के पॉइंट के कलेक्ट होंगे, हमने जीएसटी में ये पढ़ा है। दूसरी चीज़, जो सेंटर एंड स्टेट जीएसटी है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर ही लगेगा, ठीक है, जिससे कि जो वो एक ड्रॉबैक था ना, दो टाइम टैक्सेस का, वैल्यू एडेड टैक्सेस का, है ना, वो कलेक्ट हो गया जीएसटी के। एक सिंगल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें कास्केडिंग इफेक्ट जो है, ठीक है, टैक्स का वो रिमूव हो गया। सिंगल डेस्टिनेशन पर सिंगल टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर। दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिस्ट रेफर टू एन अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसे हम एंटिसिपेट नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसा अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट डेब्ट की रियल वैल्यू जो है वो कम कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बर्डन इन्फ्लेशन का, ठीक है, या अनएंटिसिपेटेड डिफॉल्ट बोलते हैं, या साइनोरेज बोलते हैं, या इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज फोर्थ। ये जो फोर्थ वाला है ये आपका राइट ऑप्शन है। द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में मैंने आगे भी आपको समझाया है। एक्चुअली इन्फ्लेशन टैक्स का मतलब ही कहीं ना कहीं वो बर्डन है, जिससे वो सेक्रीफाइस है, जिससे कि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। देखिए आप सबको पता है कि जब इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, प्राइजेस जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है, प्राइजेस बढ़ने से रियल वैल्यू जो है वो कम होती है। ये कंसेप्ट मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि रियल वैल्यू कम कैसे होती है। देखिए अब गवर्नमेंट की डेब्ट की रियल वैल्यू कम कैसे होगी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कर्जा लिया 20,000 का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए, ठीक है, पहले इस 20,000 से गवर्नमेंट जो चीज़ें खरीद सकती थी, अब इस 20,000 में गवर्नमेंट वो चीज़ें नहीं खरीद सकती, क्यों, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है ना, तो महंगाई बढ़ने से गवर्नमेंट जो है उस डेप्थ से, उस पैसे से पहले चीजें खरीद सकती थी, अब गवर्नमेंट उस पैसे से वो चीजें नहीं खरीद सकती,
बात को समझे। सो रियल वैल्यू पैसे की सिर्फ गवर्नमेंट के केस में नहीं, लोगों की भी तो रियल वैल्यू पैसे की कम होती है। जो हमारे पास पैसा है, हमारे पैसे से भी अब हम पहले जितना खरीद नहीं सकते क्योंकि महंगाई बढ़ गई। सो इन्फ्लेशन टैक्स एक्चुअली वो सेक्रीफाइस है, वो सेक्रीफाइस है जो लोगों को बेयर करना पड़ता है, या गवर्नमेंट को या लोगों को बेयर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग या रिड्यूसिंग रियल वैल्यू ऑफ मनी। बात को समझे। इन्फ्लेशन टैक्स इज दैट सेक्रीफाइज और इट इज दैट बर्डन दैट पीपल हैव टू बियर इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस रियल वैल्यू ऑफ मनी। क्लियर? सो ये है आपका इन्फ्लेशन टैक्स। साइन और एज, साइन और एज का मतलब एक्चुअली यहाँ पे होता है कि जो गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट मिलता है करेंसी प्रिंट करने से, लोगों में करेंसी मुहैया करवाने से, करेंसी की को प्रिंट करने से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है उसे हम साइन और एज बोलते हैं। बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का बर्डन, ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है वर्ड से ही। अनएंटिसिपेटेड डिफॉल्ट, ऐसा डिफॉल्ट जो एंटिसिपेट नहीं किया गया था, एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ठीक है, डिफॉल्ट लॉस होता है वैसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम बी इज ए सोशल बेनिफिट्स, जो बी है यहाँ पे वो सोशल बेनिफिट्स हैं, सी जो है वो सोशल कॉस्ट है, आर जो है यहाँ पे दैट इज सोशल डिस्काउंट रेट। ठीक है, मैंने प्लस वाली एक क्लास ली थी आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, ये थी, उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट इवेल्युएशन करके एक टॉपिक समझाया था जिसमें शेडो प्राइजेज, सोशल बेनिफिट्स, सोशल कॉस्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, सोशल डिस्काउंट रेट, इंटरनल IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे कंसेप्ट समझाए थे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या होगी, ठीक है, अगर बी जो है बेनिफिट्स है, सी कॉस्ट है, और आर जो है सोशल डिस्काउंट रेट है। तो NPV का जो करेक्ट फार्मूला है वो क्या होना चाहिए? ओके, सो जो करेक्ट फार्मूला है NPV का यही है, फर्स्ट वाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर हम बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट, यहाँ पे टी इक्वल टू, इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि अलग अलग, जैसे देखिए दैट इज अलग अलग बेनिफिट्स एंड अलग अलग कॉस्ट यहाँ पे आएंगे ना, दैट इज 3 माइनस 2 फर्स्ट पीरियड के, फर्स्ट टाइम पीरियड का, जैसे फर्स्ट टाइम पीरियड का बेनिफिट 3 है, फर्स्ट टाइम पीरियड का कॉस्ट जो है वो 2 है ना, इसी तरह से इसे आगे आगे चलता रहेगा ये सिस्टम। जैसे टी का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड है, नेक्स्ट टाइम पीरियड, दूसरे टाइम पीरियड, देखिए लाइफ लिखे ना, सो टाइम पीरियड, तो दूसरे टाइम पीरियड, सेकंड टाइम पीरियड का बेनिफिट जो है वो मान लीजिए 4 है, कॉस्ट जो है वो 3 है, ठीक है ना। सो ये इस तरह से कॉन्टिन्यूसली, दैट इज वाई यदि सिग्मा, ये प्लस होता रहेगा ना सारा। सिग्मा का क्या मतलब है कि इनकी एडिशन। सो अलग अलग टाइम पीरियड्स पे जो बेनिफिट एंड कॉस्ट है, ठीक है, उनकी वैल्यू को प्लस किया है हमने, डेट्स वाई यहाँ पे सिग्मा आया है, ठीक है। सो दैट इज बेनिफिट माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंट, दैट इज अ करेक्ट फार्मूला ऑफ NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल उसने पूछा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसकी एग्जाम्पल है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, या पब्लिक गुड की। रेफरेंस उसने दी है ये दो करेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। देखिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में क्या फ़र्क है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वो होती है जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट कम मिले और प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा हो, या इन अदर वर्ड्स सोसाइटी की कॉस्ट ज़्यादा लगे और प्राइवेट की कॉस्ट कम लगे। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वो होती है जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट ज़्यादा मिले और प्राइवेट का बेनिफिट कम हो, या फिर सोशल सोशल कॉस्ट कम लगे और प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा लगे, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, जिसे सोसाइटी से बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी, मान लीजिए आपके पड़ोसी के किसी एक घर में टीवी लगा हुआ है, ठीक है, और सारे जो आसपास के नेबर्स हैं वो उसके घर में जाके टीवी देख रहे हैं, ये क्या है, कॉस्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल की लग रही है लेकिन उसका फायदा सारी सोसाइटी ले रही है, दैट इज सोशल बेनिफिट ज़्यादा है, दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी।
नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब आपकी सोसाइटी में मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगी हुई है जिसके धुएं से सारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, इससे क्या है कि जो सोसाइटी है उसे काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ डर्टी एनवायरनमेंट, है ना। लेकिन प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि वो इस पोल्यूशन से पैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रही है वो इंडस्ट्री, दैट इज़ अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। सो ये हो गया। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का क्या मतलब होता है? रिटर्न्स का इंक्रीज होना, कम कॉस्ट लगना, ठीक है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा फायदा मिलना, पब्लिक गुड। सो अगर हम सिर्फ नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी की तरफ देखें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है ये पब्लिक गुड की एग्जांपल है, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर से किसी किसी भी इंडिविजुअल को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार मुझे तो है लेकिन इसे नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी? सबको बराबर का अधिकार है ना लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है ना, लॉ एंड ऑर्डर सब पे अप्लाई होता है। इसी तरह से नॉन राइवलरी, ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार है तो मेरे होने से दूसरे के पास अधिकार कम हो जाएगा, ऐसा होता है? मैंने अगर साफ हवा में सांस ले ली, साफ एयर में सांस ले ली, तो इससे दूसरे की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी साफ हवा में सांस लेने की। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, एयर भी एक पब्लिक गुड है, ठीक है, एज ए सो इसलिए जो लॉ एंड ऑर्डर है ये भी एक पब्लिक गुड है, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, या हमारे यूज करने से दूसरे की यूसेज उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कम नहीं हो सकती, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक गुड, क्लियर? होपफुली जितने भी क्वेश्चन हमने आज किए हैं आपको सभी क्लियर है। ठीक है जी, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, ठीक है। सो आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेज हैं सुबह 11 बजे होती हैं इसी चैनल पर, 5 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, और 19 अप्रैल से आपका जो प्लस है वो स्टार्ट होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस पर, जिसमें रिविजन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, ठीक है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ये मेरा रेफरल है इसे यूज़ करके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे इसी चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की नई वीडियो के साथ, ठीक है।